हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी अहमद भट्ट। वेलकम टू अहमद भट्ट व्लॉग। मैं लेके आऊँ जी अपने नया व्लॉग। व्लॉग में आपको दिखाऊंगा जी 12 रबी लवल लोग कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और लोग अपने गलियां, घर और काफ़ी जगह ऐसे जाते हैं जिससे पता चलता है कि यार आज 12 रबी लवल है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है जिसमें ईद मिलाद नबी है। तो आइए देखते हैं लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह से लोग सजाते हैं। बंदर और देखते हैं किस तरह के इंतजाम आते हैं जी अंदर इस गली में, और मुझे तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं यार, माशाल्लाह बड़ी बात है यार। ये लाहौरियों की बड़ी बहुत बड़ी निशानी है कि ये हर लिहाज से ना जो भी चीज़, जो भी इवेंट वगैरह होना उसके बड़े तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और वैसे भी लाहौरियों के बारे में कहा जाता है कि लाहौर जैसा कोई जगह नहीं है, तो मतलब पंजाबी में ये कहते हैं जी लाहौर लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। तो यही बात सच है जी, मैं भी चीज़ से एग्री करता हूँ, आप भी मेरे हाथ से करते ही होंगे। तो आइए चलते हैं जी, देखते हैं अंदर क्या क्या। ये देखें जी, ये मस्जिद नबी बनाई हुई है इन्होंने, माशाल्लाह क्या बात है यार, पूरा तरीके से बनी हुई है। और ये देखें जी, ये है जी खाना काबा, माशाल्लाह क्या खूबसूरत तरीके से बनाया यार इन्होंने, और में टैलेंट भी बहुत है यार, इस बंदे ने भी बनाया होगा माशाल्लाह, खूबसूरत है यार, शानदार, बहुत आला दिल से बनाया बंदा। गेट की मैंने बड़ी तरीफ सुनी थी, वो कह रहे थे कि इन्होंने ना मॉडल्स भी बनाए हुए हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दिन के मुनासिब उन्होंने बहुत चीज़ें सजाई हुई हैं, बनाई हुई हैं। आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं और किस तरीके से सजाया हुआ है। ये देखें जी, लब्बैक क्या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ जी लोहारी गेट में, और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने सजाई हुई हैं, किस तरीके से सजाई हुई हैं। और ये भी मेरे साथ आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से सजाया हुआ है, और बड़े खूबसूरत लग रहा है यार, माशाल्लाह पता चल रहा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, इसने ईद मिलाद नबी है 12 रबी अव्वल का दिन, बड़े खूबसूरत तरीके से मना रहे हैं जी। आइए मुझे चलते हैं अंदर, आपको लोगों का रश नज़र आ रहा होगा, सब निकले हुए हैं जी माशाल्लाह इस दिन की मुनासबत से,
सेलिब्रेट करने और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से ईद को मनाते हैं जी। ये मुसलमान होने की पहचान ही है जी। वरना रबी अल्लाह वैसे भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलादत का दिन है, तो मैं कहता हूँ कि हर बंदा ही ना बड़े ही खुश है और अच्छे तरीके से बड़े ही खूबसूरत तरीके से बड़ी ही अकीदत से ईद को मना रहे हैं जी। और आइए चलते हैं मीर आगे करें जी। कबाब लगा रहे हैं भैया, आइए चलते हैं मस्जिद आके। मैं यहाँ पे एंटर तो हो गया हूँ जी, लेकिन मुझे ना यहाँ पे कोई मॉडल वगैरह नहीं नज़र आ रहे, जैसे मस्जिद नबवी होती है, खाना काबा वगैरह, कुरान मजीद वगैरह, तो उस तरह के मुझे कुछ मॉडल नज़र तो नहीं आ रहे। लेकिन मैंने यहाँ पे किसी मुकामी से पूछा जी, वो कह रहे हैं जी एक गली है जिसका नाम है मुंजकुटा गली का नाम है। तो जी अब मैं उधर जा रहा हूँ मुंजकुटा गली में, आइए आपको दिखाते हैं। मुंजकुटा गली बड़ी, मैं कहता हूँ सुनने में तो बड़ी फेमस फील हो रही है कि यार मुंजकुटा। नहीं जी, फाइनली मुझे मुंजकुटा गली मिल गई है जी। अब मैं जा रहा हूँ उस गली में, रश भी बहुत ज़्यादा है। ये है जी वो गली। ये जी मुंजकुटा गली में पहाड़ी वाकई पहाड़ी लग रही है। पहाड़ी तो मैंने आपको दिखा दिया जी, अब चलते हैं दूसरी पहाड़ी की तरफ, उधर देखते हैं उन्होंने क्या चल रहा है। ये देखे जी माशाल्लाह, ये घर है जी जिन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलके इस चीज़ को सजाया। वाली गली और इसमें मैंने आपको पहाड़ी वगैरह दिखा दी हैं और टावर भी दिखा दी है। तो इस बार लोगों जी का कहना है कि आप लोग कहते हैं कि इस बार लोगों ने इस तरह उस तरीके से नहीं सजाया जिस तरह वो सजाते होते हैं महंगाई की वजह से। कहते हैं जी काफ़ी लोगों ने वो कंट्रीब्यूशन करते हैं मोहल्ले वगैरह, तो लोगों ने महंगाई की वजह से दिए नहीं कुछ। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपको नेक्स्ट जी। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा जी लोग कैसे बांटते हैं चीज़ें, ये देखें। ये लोग जिसको जितने थे अल्लाह को दिल दी है, जिनके पास खाली मदद है वो सब इस तरह बनाते हैं जी और लोगों में बांटते हैं। जी फ्रेंड्स ये था जी आज का ब्लॉग, मैंने आपको मोरी गेट, लोहारी गेट और बाटी गेट दिखाया, जहाँ जहाँ लोगों ने सजावट की थी वो सब आपको चीज़ें दिखा दी। और अब आ गया जाने का टाइम, तो मुझे आप इजाज़त दें, आपसे मिलेंगे जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और एक और चीज़ जाने से पहले, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करना जरूर करिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।